अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम अगेन। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, फार्मेसी प्रैक्टिस 2B। इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी एंड फ्यू डिटेल्स अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मेसिस्ट। नाउ वी विल कंटिन्यू अवर सेकेंड लेक्चर the same book as I have told about the book. हम जितनी भी डिटेल पढ़ेंगे इस कोर्स की वो बुक से पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशंस में आपको जो है सिर्फ कुछ की पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैं एलेबोरेट कर दूंगा, लेकिन पढ़ना हमें बुक से। बुक के एक और दफा मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, वो ये सब हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। ये है बुक, इसको जो है हमें फॉलो करना है और इसमें से सारी डिटेल पढ़नी है। चैप्टर नंबर 21 हम पढ़ रहे हैं और आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रोफेशनल एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मेसिस्ट। तो इस बुक में डिटेल में काफी सारी जो है प्रोफेशनल एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मेसिस्ट लिखी हुई है और काफी सारे इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं। हम उनमें से जो है सारे तो नहीं करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम फॉलो करेंगे, जो हम कवर करेंगे। मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा लेक्चर में, लेकिन आपको खुद से भी जो है बुक से पढ़ना है। तो सबसे पहले है हमारे पास हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। फार्मासिस्ट हैज टू इंश्योर दैट द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर इज legally acceptable, safe and in accordance with the need of patient, and this is the responsibility of pharmacist to ensure the legality of every prescription, and this can be done by visiting the medical records of the patient if available at the pharmacy. If the patient is the older one and he comes very often to the same pharmacy, then the pharmacist have to maintain the medical record of the patient. The medicine should be accurately dispensed with proper and appropriate counseling. जितनी भी मेडिसिन जो है फार्मेसी डिस्पेंस करेगा, जो उस प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशनड होंगी के लिए, वो प्रॉपर काउंसलिंग के साथ होंगी। हर मेडिसिन की काउंसलिंग डिफरेंट होती है, तो हर मेडिसिन को सेपरेटली काउंसिल करना है। हर मेडिसिन के बारे में काउंसलिंग की भी आगे डिटेल पढ़ेंगे। But some countries allow the pharmacist to access the drug history of the patient, and this enables him to provide suitable advice to prescriber on the most suitable drug usage. कुछ countries में ऐसा होता है कि pharmacist के बाद जो है basically access होता है कि वो patient की drug history पे चला जाए। ऐसे हमारे पास तो community pharmacy में इतना ज़्यादा वेल डेवलप कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, कुछ जगहों पे अब आना शुरू हो गया। जैसे कुछ हॉस्पिटल्स की कम्युनिटी फार्मेसी होती हैं, तो वहाँ पर बेसिकली जो है कंप्यूटर सिस्टम भी अवेलेबल है अब, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे जो है मैनुअली हैंडलिंग होती है प्रिस्क्रिप्शन की, तो इतना अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पाता। तो हम बस जो है प्रिस्क्रिप्शन देख कर ही पेशेंट को काउंसिल कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर एक्सटेम्परेनियस प्रिपरेशन एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कम्युनिटी फार्मेसी की फील्ड का, एक्सटेम्परेनियस प्रिपरेशन, जो कि अब हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत स्पीड से ग्रो भी हो रहा है। पहले इतना ज्यादा हर जगह अवेलेबल नहीं था, अब वो ग्रो किस तरह हो रहा है क्योंकि पेशेंट्स की जो नीड होती है उसके हिसाब से जो है एक्सटेम्परेनियस प्रिपरेशन बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ मेडिसिन ऐसी हैं अवेलेबल मार्केट में, जैसे कि जो सिर्फ कैप्सूल्स और टैबलेट डोसेज फॉर्म में आती हैं, लेकिन जब पीडियाट्रिक डोज हमें जब उसको देनी होती है, किसी कोई पेशेंट अगर छोटा है, इन्फेंट है या पीड्स है और उसको वही मेडिसिन देनी है, तो फिर हमें उसका जो अब वो मार्केट में जो है उसका सिरप फॉर्म अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या करें, तो फिर उसकी जो है एक्सटेम्परेनियस प्रिपरेशन होती है। अब इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास ओमिप्राजोल की है। ओमिप्राजोल की हमारे पास जो मार्केट में डोसेज फॉर्म अवेलेबल है वो कैप्सूल्स हैं 20 mg के और 40 mg के,
और इसके अलावा जो है पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होता है ओमनिप्रा तो, लेकिन वो भी 20 mg का होता है। लेकिन जो पीट्स की डोज होती है वो उसकी होती है 2 mg per ml की, per ml के हिसाब से होती है। 4 mg की होती है ये, उसके अंदर हम 2 ml देंगे, या फिर जो है 6 mg की होती है उसके अंदर हम 3 ml डोज देते हैं। तो ये डोज हम किस तरह अब कैप्सूल से निकालेंगे, कैप्सूल से तो हम निकाल नहीं सकते, तो उसकी जो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको एक्सटेम्परेनियस प्रिपरेशन कहते हैं, और कॉमन टर्म में जो है कंपाउंडिंग ड्रग्स कहलाती है। अब इसमें करते क्या है, बेसिकली जो है एक प्रॉपर सेपरेट एरिया होता है कंपाउंडिंग फार्मेसीज का, और उनका एक प्रॉपर सेपरेट लाइसेंस होता है, उस लाइसेंस की बेस पे ही जो है कंपाउंडिंग फार्मेसीज जो है चल सकती हैं। जो नॉर्मल मेडिकल स्टोर्स के या फार्मेसीज के लाइसेंस होते हैं उस पर कंपाउंडिंग फार्मेसीज नहीं चलते। उसके अंदर करते क्या है, बेसिकली जो हमने ओमिप्राजोल के कैप्सूल जो है खोले, और वो उसकी जो हैंडलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन से करनी पड़ती है ताकि कंटेमिनेशन से बचा जा सके। अब ओरल मेडिकेशंस हैं, ओरल मेडिकेशंस के लिए जो है हमें IV हुड की ज़रूरत नहीं होती, जो स्टरलाइज हुड डोज होते हैं वो उसके लिए IV मेडिकेशन के लिए होती है। लेकिन फिर भी जो है ओरल मेडिकेशन में भी जो है हमें इन चीज़ों का बहुत एहतियात रखना पड़ता है कंटेमिनेशन का। अब हम कैप्सूल्स में पाउडर निकालते हैं, और फिर उस पाउडर से जो है एक हमारे पास जो है प्रोटोकॉल्स रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं हर मेडिसिन की। ठीक है, ये कोई भी जो है अपनी मर्जी से जो है कंपाउंडिंग प्रिपरेशन नहीं करता। उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले जाएंगे, कितनी क्वांटिटी में डाले जाएंगे, और कौन से मेथड से जो है ये प्रिपरेशन बनाई जाएगी, ये सब हमारे पास जो है प्रोटोकॉल्स में अवेलेबल होते हैं। और ये प्रोटोकॉल जो है हमारे पास डिफरेंट रेफरेंसेस से जो है मिल जाते हैं इजिली। तो अगर कोई भी कंपाउंडिंग मेडिकल स्टोर या फिर कंपाउंडिंग फार्मेसी जो है डेवलप करना चाहता है किसी हॉस्पिटल में या किसी कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर, तो को जो है प्रॉपरली उन्हीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है, और उसका जो है एक प्रॉपर ऑडिट होता है। तो उसी तरह हम जो है ओमिप्राजोल के जो कैप्सूल्स हैं उसका पाउडर लेते हैं, फिर उसके अंदर जो है सिंपल सिरप मिक्स करके उसका एक सिरप बना देते हैं। वो इस पे डिफरेंट स्ट्रेंथ्स में 2 mg per ml के स्ट्रेंथ में बन जाता है, 1 mg per ml के स्ट्रेंथ में बन सकता है, और 4 mg per ml के स्ट्रेंथ में भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की नीड क्या है, पेशेंट की डोज क्या है। तो ये हो गया आपका एक्सटेम्परेनियस प्रिपरेशन। उसके बाद है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रेशनल यूज बेसिकली जो है एक प्राइमरी फोकस एरिया फार्मेसी प्रैक्टिस का। व्हाई इट इज अ प्राइमरी फोकस एरिया ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, बिकॉज एवरीथिंग अबाउट द ड्रग फॉल्स अंडर द रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। अब इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, हमने जब मेडिसिन रखी भी है अपनी फार्मेसी के अंदर उस ड्रग की जो स्टोरेज कंडीशन है वो कैसी हैं, ये भी रेशनल यूज में आएगा, और उसकी हमने एक्सपायरी मेंटेन की हुई है या नहीं की हुई, या फिर उसकी इन्वेंट्री हमने किस तरह जो है मेंटेन की हुई है, ये सारी चीज़ें जो है फार्मासिस्ट को पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब हम पेशेंट को दे देंगे मेडिसिन, फिर पेशेंट को काउंसल करना है कि ये आपकी मेडिसिन जो है फॉर एग्जांपल 1 month पीरियड की है, तो आपको 1 month के अंदर जो है इस मेडिसिन को किस तरह स्टोर रखना है, इसकी स्टोरेज कंडीशंस क्या है, इसके बारे में भी जो है हमें पेशेंट को काउंसल करना ज़रूरी है। इसके अलावा उसके ड्रग रेजिमेन के बारे में, हर हर मेडिसिन का ड्रग रेजिमेन अलग होता है, वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर ने किस हिसाब से प्रिस्क्राइब किया। तो वी हैव टू एवरी फार्मासिस्ट हैव टू काउंसल सेपरेटली अबाउट ईच मेडिकेशन एंड देन अबाउट द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स, कि कौन सी ड्रग्स किस रूट से एडमिनिस्टर करनी है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कैप्सूल्स हमारे पास ऐसे अवेलेबल होते हैं मार्केट में जिसको हम इनहेलेशन के तौर पर यूज करते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल प्रैक्टिस ऐसी होती है कि वो पेशेंट्स को फार्मासिस्ट सही से काउंसल नहीं कर पाते, फिर जब सही से काउंसलिंग नहीं होती तो वो पेशेंट जो है उसको नॉर्मल कैप्सूल समझ के वो ओरली खा लेते हैं। अब वो कैप्सूल्स कौन से हैं, फॉर मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, कॉम्बीवेयर के नाम से एक कैप्सूल आता है, उसके अंदर जो है डिफरेंट तरह की मेडिकेशन होती हैं, एक स्टेरॉइड होती है और एक बीटा एग्नेस होती है। वो बेसिकली जो है वो उसमें यूज होती है ब्रोंकल कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह में यूज होती है, या फिर कफिंग में यूज होती है बहुत ज्यादा, एलर्जी कफिंग में, राइनाइटिस में यूज होती है। तो वो कैप्सूल्स का
मसला ये होता है कि पेशेंट्स को आइडिया नहीं होता कि जो है जब तक फार्मासिस्ट को जो है काउंसल नहीं करता, पेशेंट को पता नहीं होता कि ये कैप्सूल्स इनहेल करने। अब उसकी एक डिवाइस आती है, उसको रेबुलाइजर कहते हैं। उस रेबुलाइजर के अंदर जो है कैप्सूल्स हम फिट करते हैं, और फिर जब रेबुलाइजर क्लोज करते हैं तो रेबुलाइजर में जो है एक नीडल होती है जो कैप्सूल्स को रपच्चर करके उसका पाउडर रिलीज कर देती है, और उसके रेबुलाइजर के बिल्कुल टिप पे जो है एक माउथ पीस बना हुआ होता है, जिससे जो है वो कैप्सूल हमें इनहेल करनी पड़ती है, उसका पाउडर इनहेल करना पड़ता है। तो अगर पेशेंट उसको डायरेक्ट ओरली ले लेगा तो उसके जो साइट ऑफ एक्शन है उस कैप्सूल करके जो पाउडर का वो थ्रॉट पे है, तो वो थ्रॉट पे जो है वो पाउडर पहुंच नहीं पाएगा, वो सीधा स्टमक में जाएगी, तो उसकी जो डोज है वो मिस हो जाएगी। अब यहाँ पे जो नुकसान होता है पेशेंट को, वो डोज मिस होने का वो काफी सीवियर होता है। अगर वो पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और उसको प्रॉपर डोज नहीं मिली, तो वो उस पेशेंट के लिए जाहिर है बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है, और उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती सारी फार्मासिस्ट के ऊपर। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती हैं, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं पेशेंट की हेल्थ से हवाले से। इसके अलावा ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर विथ प्रॉपर ADR सिस्टम लीविंग एंटीबायोटिक मिड वेज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉपर ADR सिस्टम जो डेवलप कम्युनिटी फार्मेसीज होती हैं बाहर मुल्कों में, हमारे पास तक नहीं होती, तो वहां पर जो है बेसिकली ADR सिस्टम का एक अलग फार्मासिस्ट होता है, एक अलग रूम होता है। उनका काम ये होता है कि वो सिर्फ ड्रग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और पेशेंट्स को जो है जितने भी ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट हैं उनके बारे में उनको बताएं, उनको काउंसिल करें। ADR क्या होता है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब ADR सिस्टम के थ्रू जो है हम पेशेंट को बता सकते हैं कि आपने कौन सी मेडिकेशन कितने टाइम पीरियड तक यूज करनी है, इसके बाद नहीं यूज करनी है, या फिर इससे पहले भी जो है इसको नहीं छोड़ना, तो छोड़ देंगे तो उसके जो है क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव एंटीबायोटिक्स एंड ऑलमोस्ट एवरी एंटीबायोटिक्स हैव स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फॉर इट्स ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सिफेक्सिन, सिफेक्सिन हैव अ ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी ऑफ 5 days, एंड इफ सम पेशेंट एडमिनिस्टर्ड सिफेक्सिन फॉर मोर देन 5 days देन इट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक बेनिफिट। व्हाई? बिकॉज वंस इट्स ड्यूरेशन ऑफ अ थेरेपी इज कंप्लीटेड, दे The purpose of antibiotics is to produce the antibodies against the infection, and cefixime can produce its total antibodies within the 5 days. So, if we continue taking the cefixime, that it will develop resistance against these microorganisms we are using against. So, once we have developed the resistant microorganism, then it will be further more difficult to fight these microorganisms with these antibiotics. So. तो एंटीबायोटिक्स के लिए स्पेसिफिकली जो है अलग से काउंसिल करना पड़ता है कि इसकी एक ड्यूरेशन ऑफ पीरियड है, इसमें ही जो है हमें इसको एडमिनिस्टर करना है, इसको हम बीच में से नहीं छोड़ सकते। और इसके अलावा लीविंग एंटीबायोटिक मिडवेज, कभी कभी ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल सिफिक्सिम की जो ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी है 5 days की, और पेशेंट ने 3 दिन खाई और उसको फील हुआ कि हाँ मेरी तो अब तबीयत ठीक है, मुझे अब खाने की जरूरत नहीं, मेरा इन्फेक्शन ठीक हो गया, मेरा फीवर भी ठीक हो गया, तो उसने छोड़ दी। या फिर ये भी इसकी वजह हो सकती है कि 3 दिन खाने के बाद पेशेंट को लगा कि इससे जो है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मुझे दूसरी एंटीबायोटिक्स खानी चाहिए, मैं सिफिक्सिम छोड़ के जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन पे आ जाता हूँ। तो ये पेशेंट को काउंसिल करना फार्मासिस्ट का काम है कि जब तक एंटीबायोटिक की ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी पूरी नहीं हो जाती आप उसको बीच में नहीं छोड़ सकते, बिकॉज उसको छोड़ने के जो है फर्दर वो साइड इफेक्ट हैं। एंटीबायोटिक्स के जितने भी जो है एलर्जिक रिएक्शन होते हैं या फिर जो है सीवियर साइड इफेक्ट होते हैं, वो मेजॉरिटी जो है वो थेरेपी बीच में से छोड़ने की वजह से होते हैं। और अगर बीच में छोड़ देंगे तो क्योंकि उसकी एंटीबॉडीज प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई होती ब्लड के अंदर, और फिर हम उसके साथ दूसरी एंटीबायोटिक कंटिन्यू स्टार्ट कर देंगे, तो फिर जो है उनका साइनर्जिस्टिक इफेक्ट हो जाता है। जब किसी साइनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब ये है कि सेम मैकेनिज्म की हमने 2 मेडिसिन खा ली और जितना हमें रिक्वायर्ड इफेक्ट था हमें उससे ज्यादा जो है मिल गया, ठीक है।
तो वो फिर जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आ जाता है। बैलेंट यूज, ब्लेटेंट यूज ऑफ ओटीसी, सॉरी ओटीसी मेडिसिन आर दोस मेडिसिन दैट वी कैन डिस्पेंस विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन, दीज आर ओवर द काउंटर मेडिसिन, बट वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट ओटीसी मेडिसिन एज वेल, एंड वी हैव टू कंसल्ट एवरी पेशेंट अबाउट ओटीसी मेडिसिन, बिकॉज सम पेशेंट जस्ट थिंक दैट वी कैन टेक वेन एवर वी वॉन्ट एंड हाउ मच क्वान्टिटी वी वॉन्ट वी कैन टेक देम, दे आर जस्ट ओटीसी एंड दे वॉन्ट बी एनी हार्मफुल। Every medicine has its side effect. Every medicine has its adverse effect in its limitations. So every medicine has its different limitations to expressing its side effect. So OTC medicines के भी side effects होते हैं. For example, अगर Panadol की example हम ले रहे हैं, तो Panadol के भी जो है एक maximum dosage limit available है. और वो कितनी है? वो total जो है हमारे पास 4,000 mg to 6,000 mg Panadol की ये maximum dosage होती है per day. अब कोई पेशेंट ओटीसी मेडिसिन समझ के जो है उसको 4000 एमजी को भी क्रॉस कर जाएगा, तो फिर उसके जो है सीवियर साइड इफेक्ट पैनाडोल के भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में जो है पेशेंट को काउंसलिंग करना, पेशेंट को इसकी डिटेल बताना, ये भी रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में आता है, ये भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिटी फार्मासिस्ट की। ड्रग अवेलेबिलिटी टू नीडी पॉपुलेशन, अब मेडिसिन का मसला ये होता है कि हमारे पास जो वेल डेवलप पॉपुलेशन है हमारे पास जो के जो है ऐसे लोग हैं जिनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको उनके पास सारी मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम करंट सिचुएशन देख लें, कोविड की सिचुएशन में जो है हमारे पास काफी मेडिसिन जो कॉमनली इजीली हर जगह अवेलेबल हो जाती थी, वो सिर्फ इस कोविड की वजह से जो है वो अब अवेलेबल नहीं होती। अब ये फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि सोशल कंडीशंस देख के, सोशल सिचुएशन देख के जो है ऐसी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी को जो है वो बरकरार रखना हर तरह के पेशेंट्स के लिए। अब मेडिसिन जो है कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे कि कोई सब्जी हो गई या फिर कोई खाने पीने की चीज हो गई। जैसे अगर कोई बंदा आया उसने कहा कि मुझे जितनी आपके स्टोर में अवेलेबल है सारी दे दें, मैं आपको पे कर सकता हूँ, अब ये मेडिसिन के लिए जो है अनएथिकल है। हम पेशेंट को सिर्फ उतनी ही डोज देंगे जितनी जो है पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, जितनी पेशेंट को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, उससे ज्यादा देना ये इलीगल है और ये अनएथिकल है टोटली, ताकि जो है जिन पेशेंट्स को नीड है उन तक मेडिसिन पहुंच सके। फॉर एग्जांपल कोविड के दौर में तो बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स पे जो है कौन कौन सी मेडिसिन शॉर्ट हो गई थी, वाइटामिन सी के जो हमारे पास सीकॉन के नाम से आती है जो हर जगह नॉर्मली अवेलेबल होती थी, बहुत सस्ती सी मेडिसिन है, ख्याल में 120 रुपए की उसकी बोतल है, उसके अंदर 40 गोलियां होती हैं। अब जैसी कोई भी जो है अफवाह फैलती है कि विटामिन सी खाने से जो है कोविड खत्म हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है, तो जिनके पास पैसे हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो जाते हैं मेडिकल स्टोर, जितनी होती है स्टोर पे कहते हैं सारी दे दो, ये तो मल्टी विटामिन है, इसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन की भी नीड नहीं है, तो ओटीसी मेडिसिन है। अब जो जिनको अपना मेडिकल स्टोर चलाना होता है नॉर्मली यहाँ पे जो होते हैं मेडिकल स्टोर नॉर्मली वो सब दे देते हैं उनको, क्योंकि वो ज्यादा पैसे दे देते हैं। अगर वो 100 रुपए की बॉटल है तो वो पेशेंट जो आपको 200 रुपए दे देगा कि ये जो है हम इसे दे दें, वो कोई बंदा होगा दे देगा। लेकिन अगर वो कोई क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होगा जो कि लीगली मेडिसिन जो है डिस्पेंस करता है, वो कभी भी जो है पेशेंट की नीड के मुताबिक नीड से ज्यादा जो है उसको मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करेगा, भले वो ओटीसी भी क्यों ना, ताकि जिन लोगों के पास वसाइल नहीं है, जिनके पास जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन तक भी वो मेडिसिन होती पास लेके जमा कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। तो जब उनको लगता है कि मेडिसिन स्टॉक, मेडिसिन बाहर शॉर्ट हो रही है, तो वो जो अपने पास जमा करना शुरू कर देते हैं, और जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको वो अवेलेबल नहीं होती। तो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है मेडिसिन का स्टॉक जो है वो मेंटेन रखें। इसके बाद है हमारे पास फार्मास्यूटिकल केयर ऑफ पेशेंट्स क्लिनिकल फार्मेसी। अब कम्युनिटी की फार्मेसी के अंदर भी जो है क्लिनिकल फार्मेसी को हम किस तरह इन्वॉल्व कर सकते हैं,
कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ और उसकी जो है आईवी मेडिकेशन जो है वो कंटिन्यू है, जो उसको घर में कंटिन्यू करनी है, तो हॉस्पिटल की कंडीशन में रखनी चाहिए, तो वो जो बाकी जो मेडिसिन थे वो कम्युनिटी फार्मेसी से लेंगे। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट टू हैव अ प्रोफाउंड नॉलेज ऑन द क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी मेडिकेशन। सो कम्युनिटी फार्मासिस्ट को भी पता होना चाहिए कि वो जो आईवी मेडिकेशन लेने तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को जो है हमें कंसिडर करना पड़ता है, और कभी कभी जो है फार्मासिस्ट को जो है दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, जो नर्सिंग स्टाफ है जो वो मेडिकेशन उसको एडमिनिस्टर कर रहा है आईवी मेडिकेशन, हमें उससे इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि उसे हम बता सकें कि ये किस तरह से एडमिनिस्टर करनी है, इसमें क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेना ज़रूरी है। ये बातें फार्मासिस्ट को ही पता होती है, नर्सिंग को नहीं पता होती, तो उन्हें बताना जो है कम्युनिटी फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैक्सिमम थेरापेटिक बेनिफिट्स एंड मिनिमम साइड इफेक्ट्स, इसके अंदर जो है हम पेशेंट्स को बताएंगे कि किस तरह से जो है मेडिकेशन की जो डोसेज है हम उसको मेंटेन करके जो है वो मैक्सिमम थेरापेटिक बेनिफिट ले सकते हैं और साइड इफेक्ट को मिनिमम ले सकते हैं। वो किस तरह पता चलेंगे, फॉर एग्जांपल जो है पेशेंट जो है उसकी रेनल इम्पेयरमेंट है और उसकी जो है किडनी से क्लियरेंस जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो हम उसकी जो है लैब रिपोर्ट डायग्नोस्टिक रिपोर्ट देखेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी रेनल क्लियरेंस कितनी है। जब रेनल क्लियरेंस का हमें पता चल जाएगा तो हम उस हिसाब से जो है एंटीबायोटिक्स की जो डोसेज है वो उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट की रेनल इम्पेयरमेंट होती है, क्लियरेंस नहीं होती, तो हमेशा जो है उसकी जो डोजिंग होगी एंटीबायोटिक की वो नॉर्मल डोजेज से कम डोज जाएगी बिकॉज ऑफ द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ स्टे ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स विद इन द बॉडी। अब जब क्लियरेंस ही जो इम्पेयर्ड होगी तो बॉडी के अंदर जो एंटीबायोटिक्स वो ज़्यादा देर तक स्टे करेगी, जब ज़्यादा देर तक स्टे करेगी तो उसका जो थेरेपेटिक अफेक्ट है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो अगर हम उसको नॉर्मल डोसेज देंगे उसी पेशेंट को जिसकी रिनल इम्पेयरमेंट है, तो वो नॉर्मल डोसिंग भी उसके लिए जो है वो एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी और उसके लिए वो लीथल है। तो ये बातें भी जो है वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट को जो है डिटेल में जो है ऑब्जर्व करनी है पेशेंट की, डिटेल में उसकी हिस्ट्री लेनी है, उसके जो है लैब फाइंडिंग्स देखनी है, लैब रिपोर्ट देखनी है, स्पेशली दोस पेशेंट्स दैट नीड क्लिनिकल अटेंशन। फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेशेंट, ठीक है, तो ये वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको क्लिनिकल केयर की नीड है। नाउ इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ड्रग थेरेपी, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ड्रग थेरेपी मींस जब कोई पेशेंट फिजिशियन को अपनी प्रॉब्लम दिखा के आता है तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो फिजिशियन जो है बता नहीं पाते हैं। दीज आर द एस्पेक्ट्स दैट आर लेफ्ट अनअटेंडेड बाय द फिजिशियंस, तो वो जो है फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट्स को गाइड करें। एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द पेशेंट वेयर जुडिशियस पेशेंट केयर इज नीडेड। फॉर एग्जांपल वी हैव एन एल्डरली पेशेंट्स वेयर जुडिशियस पेशेंट केयर आर नीडेड एंड फार्मासिस्ट शुड गेट द प्रॉपर हिस्ट्री अबाउट दीज पेशेंट्स, उनका जो है वो एलर्जिक रिकॉर्ड और उनकी ड्रग हिस्ट्रीज का रिकॉर्ड और उनकी इवन उनके जो फूड इनटेक है उसका रिकॉर्ड भी जो है वो फार्मासिस्ट के पास होना चाहिए ताकि वो जो है उनकी वो इंडिविजुअल ड्रग थेरेपी को जो है कंटिन्यू कर सकें। काउंसलिंग अबाउट फार्माकोइकोनॉमिक्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट थेरेपीज, इंडिविजुअल ड्रग थेरेपी के अंदर ये चीज़ भी आ जाती है कि हम उस पेशेंट की हमने जो है इतने अर्से से जो उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, हमें पता है उसको ये मेडिकेशन चल रही है जो कि अब लॉन्ग टर्म पे कोई भी मेडिकेशन अगर यूज करें महीने दो महीने वो तो वो जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है पेशेंट के लिए। तो उन फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए पेशेंट को हमें अल्टरनेट थेरेपीज या फिर अल्टरनेट मेडिकेशन अल्टरनेट ब्रांड जो है वो सजेस्ट करने चाहिए। ये फार्मासिस्ट काम है कि उसको काउंसिल करें कि ये मेडिसिन जो है वो दूसरे ब्रांड्स में भी जो है अवेलेबल हैं जो कि चीपर हैं और जो है वो इक्वली इफेक्टिव भी हैं, या फिर जो है कोई अल्टरनेट थेरेपीज बता दें। अगर पेशेंट जो है आईवी एंटीबायोटिक्स पे चल रहे हैं तो आपको लगता है कि उसकी जो लैब फाइंडिंग्स की देख के आपको लगता है कि इसमें काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट आ चुकी है इन्फेक्शन में, तो आप पेशेंट को हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आप आईवी एंटीबायोटिक्स को ड्रॉप करके हम ओरल पे आ जाएं, तो वो जो है
इकोनॉमिकली भी जो है वो जो है पेशेंट को चीप पड़ेगी, और उसको जो है वो इसमें जो कहलाती है पेशेंट सेटिस्फेक्शन जो है वो भी ओरल मेडिकेशन में ज्यादा होती है, बिकॉज जो है उसको वो पेन और सफरिंग नहीं होगी जो आईवी एंटीबायोटिक्स में होगी। देन वी हैव मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग यूटिलाइजेशन एंड फार्माको विजिलेंस। व्हाट इज फार्माको विजिलेंस? द प्रैक्टिस ऑफ मॉनिटरिंग द इफेक्ट ऑफ मेडिकल ड्रग्स आफ्टर दे हैव बीन लाइसेंस फॉर यूज, स्पेशली इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट प्रीवियसली अनरिपोर्टेड एडवर्स इफेक्ट्स। फार्माको विजिलेंस इज बेसिकली अ रिसर्च फील्ड एंड इट इज कंसर्न अबाउट द होल सोसाइटी, नॉट द सिंगल इंडिविजुअल। एडीआर के अंदर हम देखते हैं कि ड्रग के एडवर्स इफेक्ट, ड्रग के एडवर्स रिएक्शन जो है सिंगल पेशेंट को किस तरह जो है वो हार्मफुल का है, सिंगल पेशेंट के लिए किस तरह उसको सफर कर रहे हैं। लेकिन अब फार्माको विजिलेंस में हम ओवरऑल सोसाइटी की बात करते हैं बेस्ड ऑन इट्स रिपोर्टेड डेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लाइसेंस ड्रग है जो मार्केट में अवेलेबल है और हमने पेशेंट में वो साइड इफेक्ट ऑब्जर्व किए जो कि उसके रिपोर्टेड नहीं थे, ठीक है, तो इसकी जो मॉनिटरिंग है फिर इसका जो डेटा रिकॉर्ड करना, इनके कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है वो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर है और उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन है पेशेंट से। तो जब डायरेक्ट इंटरेक्शन पेशेंट से होगा तो उसको आइडिया होगा कि कौन कौन से पेशेंट्स में जो है ये साइड इफेक्ट मेरी कम्युनिटी में आ रहे हैं, और ये जो साइड इफेक्ट इस ड्रग के थे ये तो रिपोर्टेड है ही नहीं। तो जब वो उन साइड इफेक्ट्स का एक डेटा प्रिपेयर करेगा और उस डेटा प्रिपेयर करके जो भी कंसर्न अथॉरिटीज होंगी, जो कंसर्न प्रोटोकॉल जो मेंटेन रखते हैं, वो आप उन तक एक या तो आर्टिकल पब्लिश कर देंगे या फिर जो है पूरी अपनी जो डेटा कलेक्शन है वो एक टीम के साथ हम एक इसके ऊपर क्वांटिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं। तो ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा है अबाउट अनरिपोर्टेड एडवर्स इफेक्ट, ये है फार्माको विजिलेंस। इट पार्टिसिपेट्स इन मॉनिटरिंग ड्रग प्रैक्टिस रिसर्च प्रोजेक्ट, एनालाइज प्रिस्क्रिप्शन फॉर मॉनिटरिंग एडीआरस। तो फार्मासिस्ट शुड हैव गेट दीज एबिलिटीज टू एनालाइज एवरी प्रिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू इट्स रिसर्च। फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए कौन सा प्रिस्क्रिप्शन जो है वो इसके अंदर ये ड्रग अवेलेबल है, ड्रग जो है प्रिस्क्रिप्शन में इंक्लूड है, और इसके अंदर जो है हम इस पेशेंट के अंदर जो है हम अपनी रीडिंग्स जो है अपना डेटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं। एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग एज पर फार्माको विजिलेंस प्रोटोकॉल। सो फार्माको विजिलेंस हैव वेल रिपोर्टेड प्रोटोकॉल्स फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो फार्मासिस्ट शुड गेट द बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल दीज प्रोटोकॉल्स। फार्मासिस्ट शुड लर्न ऑल दीज प्रोटोकॉल्स, कम्युनिटी फार्मासिस्ट स्पेशलिस्ट, अबाउट एवरी एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। यूजफुल इन ऑब्टेनिंग डेटा अबाउट स्पेसिफिक ड्रग प्रिवेलेंस इन पर्टिकुलर कम्युनिटी। अब इसका फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हम जो है वो जब हम उसकी रिपोर्टिंग कर देंगे कि इस ड्रग से ये जो है एडवर्स इफेक्ट हमारी कम्युनिटी में फैल रहे हैं, तो ये मजीद हमारी कम्युनिटी से बाहर ना जाए। अब इसको कंट्रोल कर लिया जाए इसी कम्युनिटी में। जब एक रिपोर्ट हो गई है कि 100 में से जो है 80 पेशेंट में ये साइड इफेक्ट हमें देखा गया है और इस ड्रग की वजह से दिया गया है, तो फिर उन पेशेंट्स को जो है या तो जो उस ड्रग के जो है कोई अल्टरनेट थेरेपी सजेस्ट की जाए या फिर उसका ब्रांड चेंज किया जाए, कोई भी जो है अल्टरनेट सोल्यूशन निकाला जाए ताकि जो है उन साइड इफेक्ट से बचा जा सके। तो ये जो है एक सर्व एक जो है वो फार्मासिस्ट की सर्विंग है टू द कम्युनिटी, टू द नेशन। देन न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। वेल वी हैव अ वेरी सेपरेट प्रोफेशन फॉर न्यूट्रिशन, बट इट इज नॉट वेल डेवलप्ड इन स्पेशली इन आवर कंट्री। तो फार्मासिस्ट स्पेशली कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैज टू टेक केयर अबाउट न्यूट्रिशन एज वेल। बाहर मुल्कों में तो न्यूट्रिशनिस्ट अलग होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी फार्मासिस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर पेशेंट की जो न्यूट्रिशनल इनटेक है वो उसको मेंटेन रखे, वो उसको मॉनिटर करें। इसकी मेन रीजन है वो
फूड ड्रग इंटरेक्शन होते हैं, तो ये फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग किस फूड के साथ हम ले सकते हैं, कौन सी ड्रग जो है किस फूड के साथ हम नहीं ले सकते। तो उसकी जो है प्रॉपर नॉलेज फार्मासिस्ट के पास होनी चाहिए ताकि वो पेशेंट को गाइड कर सके। एश्योरिंग एडवोकेट न्यूट्रिशन इनटेक के किस मेडिकेशन के साथ आपने जो है कितना खाना खाना है, इसमें क्योंकि इसमें वीकनेस का जो है ज़्यादा खतरा है तो इसमें ज़्यादा खाना खाना है, और किस मेडिकेशन के साथ आपने बिल्कुल भी नहीं खाना। मैं दोबारा मैं ओमिप्राजोल पे आ जाता हूँ। अब ओमिप्राजोल के साथ कम्युनिटी फार्मासिस्ट को जो है गाइड करना ये बहुत ज़रूरी है कि ये मेडिकेशन आपने मील से 30 to 20 मिनट्स पहले लेनी है। दिस मेडिकेशन इज स्पेसिफिकली फॉर बिफोर मील, बिकॉज इफ यू टेक इट आफ्टर द मील देन इट विल हैव नो यूज। तो ये इस तरह से जो है एंटीबायोटिक्स जो है मिल्क प्रोडक्ट के साथ कुछ एंटीबायोटिक नहीं लेनी है, ये गाइड करना है। इस तरह बहुत सारी मेडिकेशन थे, सबकी जो है डिफरेंट जो है वो प्रिकॉशंस हैं। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो डाइटरी सप्लीमेंट्स की पेशेंट को उतनी ज़्यादा जो है नॉलेज नहीं होती यूजुअली। फॉर एग्जाम्पल वी हैव डायबिटिक पेशेंट्स, एंड अब डायबिटिक पेशेंट्स को जो है डायटरी सप्लीमेंट जो है अलग होती हैं वो, और नॉन डायबिटिक पेशेंट के जो डायटरी सप्लीमेंट्स अलग होती हैं। तो पेशेंट को गाइड करना चाहिए कि अगर आपको शुगर है तो आप इंश्योर नहीं पी सकते, आपको लिए ग्लूसरना है तो आपने ग्लूसरना ही पीना है। अगर आप इंश्योर पियेंगे तो उससे आपकी शुगर लेवल हाई हो जाएंगे, ये एक एग्जाम्पल है। देन वी हैव वुमेन वेलफेयर, प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट केयर। हियर दी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नॉर्मल कोर्स एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड इन्फेंसी टू प्रॉपर एजुकेट पेशेंट अबाउट हेल्थ मैनेजमेंट। तो जो कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है उसके अंदर जो है बहुत सारी मेडिकेशन जो है रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। इवन वी हैव अ वेरी कॉमन प्रोटोकॉल्स ऑफ प्रेगनेंसी मेडिकेशंस दैट आर कैरेक्टराइज अकॉर्डिंग टू इट्स क्लासेस, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो सॉरी कैटेगरीज, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी X। तो फार्मासिस्ट हैव टू गेट प्रोफाउंड नॉलेज अबाउट दीज कैटेगरीज ऑफ द ड्रग्स दैट शुड बी एडमिनिस्टर्ड और शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इन द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। और पेशेंट्स को प्रॉपर गाइड करना कि कौन सी मेडिकेशन आप प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, कौन सी नहीं ले सकती। यूजुअली जो है वो OTC मेडिसिन भी जो है प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा नीड है तो फिर फार्मासिस्ट जो है वो उन कैटेगरीज, अगर फार्मासिस्ट को पता है कि कौन से ट्राइमेस्टर में कौन सी कैटेगरी जो है वो एप्लीकेबल है, तो फार्मासिस्ट जो है वो गाइड कर सकता है पेशेंट को। इसके अलावा इन्फेंट केयर, इम्यूनाइजेशन, काउंसलिंग मदर्स अबाउट इम्यूनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर प्रोटोकॉल्स। तो वी हैव अ वेरी एथिकल एंड प्रॉपर प्रोटोकॉल अबाउट दी प्रॉपर स्टैंडर्ड्स अबाउट द इम्यूनाइजेशन। अब जो है जिन हॉस्पिटल्स, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पे प्राइवेटली भी जो है, वैसे तो वैक्सीन जो है गवर्नमेंट भी जो है वो प्रोवाइड करती है, लेकिन वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक करती है। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ जो है हमारे पास 10 वीक्स तक की, या फिर 10 वीक्स हो गया, फिर 14 वीक्स हो गया, फिर 9 मंथ की डोज हो गई। तो पेशेंट की एज के हिसाब से जो है डिफरेंट डोज होती हैं। तो ये प्रॉपर जो प्रोटोकॉल्स हैं ये फार्मासिस्ट को याद होनी चाहिए उसको। इवन जो है कम्युनिटी फार्मेसी शुड हैव अ सेपरेट रूम फॉर इम्यूनाइजेशन, एंड एवरी डेवलप्ड फार्मेसी इज ऑलरेडी हैव अ सेपरेट रूम फॉर इम्यूनाइजेशन, एंड वी शुड हैव अ सेपरेट फार्मेसी फॉर इम्यूनाइजेशन, जिसको जो है प्रॉपर पता हो इम्यूनाइजेशन से, प्रॉपर जो है पेशेंट को काउंसिल कर सके कि कौन सी वैक्सीन जो है आप इस कंडीशन में इन्फेंट्स को दे सकते हैं, कौन सी नहीं दे सकते, फीवर है तो वैक्सीन देनी है या नहीं देनी है। अगर पेशेंट ने प्रिकॉशनरी जो है पहले से पैनाडोल पी ली और फिर वो वैक्सीन लगवाना है, तो फिर उस पेशेंट को, उसको जो है बच्चे को वैक्सीन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये जो है सब बातें फार्मासिस्ट को पता होनी चाहिए डिटेल में। और इंशाल्लाह फ्यूचर में जब क्लास स्टार्ट होंगी तो मैं आपको जो है इम्यूनाइजेशन के प्रोटोकॉल जो है वो एक दफ़ा रिव्यू करा दूंगा, किस तरह हम वैक्सीन करते हैं और किस किस टाइम पीरियड पे जो है हम कौन कौन सी वैक्सीन करते हैं और क्या क्या जो है प्रिकॉशन हमें माइंड में रखनी चाहिए। देन वी हैव अल्कोहल, ड्रग एब्यूज एंड स्मोकिंग सेसेशन। ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर हम इसको डिटेल में पढ़ें, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इसका ओवरव्यू लेना है।
हेल्पिंग इंडिविजुअल्स हु बिकेम विक्टम्स ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अल्कोहल अब्यूज के तो इतने ज्यादा पेशेंट होते नहीं है, बहुत रेयरली होते हैं। ड्रग अब्यूज के यहाँ पे बहुत होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हेल्प करना, ऐसे पेशेंट्स को गाइड करना अल्टरनेट थेरेपीज के लिए, या फिर जिनको स्मोकिंग एडिक्शन हैं तो उनको बताना कि हमारे पास जो है स्मोकिंग गम्स अवेलेबल होती हैं, निकोटीन गम्स अवेलेबल होती हैं, जो कि जो एक अल्टरनेट है स्मोकिंग गम, तो आप वो यूज़ करते हैं ताकि इसकी एडिक्शन हमारे पास ख़त्म हो सके। और जितनी भी अल्टरनेट थेरेपीज और कौन कौन से जो है मेथड है जो अप्लाई कर सकते हैं वो इन एडिक्शन से बचने के लिए, तो इस बारे में भी काउंसिल करना ही फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काउंसलिंग सेशंस फॉर एडिक्टिव एंड स्मोकर, सो वी कैन अरेंज और वी कैन मैनेज प्रॉपर सेशंस फॉर दिस टाइप्स ऑफ पेशेंट, दिस टाइप ऑफ एडिक्टिव पेशेंट्स, टू काउंसल देम प्रॉपरली ऑन रेगुलर बेसिस, और यू कैन अरेंज दिस सेशंस ऑन वीकली बेसिस। कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में आखन वगैरह हो गए, वहाँ पे जो है प्रॉपर सेशन होते हैं, मंथली बेसिस पे भी होते हैं, वीकली बेसिस पे भी होते हैं, और उनके एक प्रॉपर रिकॉर्ड पेशेंट्स होते हैं जो क्या है वो सेशन अटेंड करते हैं, और उससे काफ़ी फायदा भी होता है पेशेंट्स को। सो दिस इज इट फ्रॉम द सेकेंड लेक्चर, वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फार्माको विजिलेंस, सॉरी फार्माको एपिडेमोलॉजी, दैट इज रिसर्च बेस्ड टॉपिक। And we will continue this topic in our next session, inshallah. Thank you so much. Hafiz.